कहानी है ये मेरे दिल की ना सुनाए रे दिखाए ना कबूतर उड़े जा रहे तू जा रहे उड़े जा रहे। Welcome guys, welcome back to my video vlog. मेरे आप सब लोग खैरियत होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी हालत इस वक्त आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने बड़ा काम किया है, बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है। ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, वो रोशनी कैमरे में पड़ी है। ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, आई थिंक मेरा कैमरा गंदा है, रुके मैं कैमरा साथ। फाइनल रोजे चल रही हैं, अब तो इफ्तारी करने का भी दिल नहीं करता, और शहरी का तो दिल करता ही नहीं है, लाइक नहीं। तो आप लोगों की ईद की तैयारी होगी, हमारी तो हो गई है, हमारे सब कुछ फाइनल है, चूड़ियों से लेकर मेहंदी से लेकर जूते तक सब कुछ फाइनल हो चुका है हमारा। और क्या रह गया हमारा, नहीं कुछ भी नहीं रहा हमारा, बस आज के लिए इतना ही। नहीं आज के लिए इतना नहीं, अब पिछले ब्लॉग सारे आप देखें, हम लोग गए थे खाना पीना खाने, ये सब कुछ हमने किया। और पता नहीं वो ब्लॉग अपनी बहन अपलोड किया कि नहीं किया, क्योंकि लिवे का आजकल नोट नहीं कर रहे हैं, थक जाते हैं, रोग अबोट लगते हैं। तो बस अभी फ्रेशन अप होना है, फिर देखते हैं आज इफ्तारी में क्या बनाया, फिर आपको मैं मिलती हूँ, बाय। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये लग रहा है हमारा कमरा, हम सिर्फ अपने यहाँ पे ले आए, बड़े ज़माने बाद हमारे लैम्प दोनों ऑन हुए हैं, वरना ऑन ही नहीं हो रहे थे। तो हम यहाँ पे चेस्टर ले आएंगे, सोफे की जगह कहीं बन नहीं गई थी तो फिलहाल यहीं पर पड़ा हुआ। तो ये यहाँ पर यूँ सेटिंग बन रही है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वैसा कमरा, लाइक प्रॉपर कमरा अब लग रहा है। एंड ये नमाज रूम की सेटिंग हो गई है, ये सोफ़ा यहाँ पे आ गया, एक पूरा आता है दूसरा नहीं आता, तो इसलिए ये है। बाकी लिविंग की हमने कोई सेटिंग नहीं छेड़ी, सब कुछ एज इट इज़ है। हाँ ये नहीं दिखाई तो ये यूँ कर दी हमने, जो भी अगर नहीं दिखाई तो। लेकिन कमरे की हमने ये सेटिंग कर दी और हमें इतना अच्छा लग रहा है, जस्ट यहाँ पर ले आए हैं। ड्रेसिंग टेबल को हमने आधा खाली कर दिया है और ये मेरे। हाँ तो मैं कह रही थी आज का, आज हमारे घर ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, कल ईद होगी या परसों, कल तो सोदिया में है तो हमारे यहाँ परसों ही ईद होगी। तो और मज़े के बाद आज मेरी बर्थडे भी, और बर्थडे वाले दिन मैं काम भी कर रही हूँ, इन लोगों ने मुझे काम भी करवाया बर्थडे वाले दिन। बर्थडे घर को कौन काम करवाता है, लेकिन नहीं ये लोग करवाते हैं। चलो अभी मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ, हमने सेटिंग जो चेंज की है। तो गाइस नेक्स्ट डे है, कल सफाइयाँ की थी, आज हम बना रहे हैं ईद के लिए चीज़ें। ये है पिज्ज़ा रोल, साथ में हमने बनाया है रोस्ट वगैरह भी बनाया है, ये सब कुछ हमारी ईद की प्रिपरेशन चल रही है। और शर्बानो बनाएगी पिज्ज़ा भी बनाएगी, शर्बानो पिज्ज़ा सॉरी पिज्ज़ा नहीं, पिज्ज़ा तो मैं बना रही हूँ, शर्बानो बनाएगी केक। चलो ये सॉस मैंने बनाई है, चले अभी काट रही है। तो अब ये हमारी शेप रेडी हो चुकी है, अब हम इसको ओवन में डालेंगे। ये किधर निकल गया, ये छोटा था ना जो रेड है ना, उसको निकाल दे, पर ये नहीं जरूरत है ना पापा, ठीक है नहीं जरूरत है, ये मैं ये यूं कर लेती हूं। हां जरा सा कर दिए, बीच पे काट देना इनको, फिर रंग मेरा एक सेकंड दे दे, रन बैक दोनों दे सीधे से दे, मैं कर दूं मेरे लिए एंगल बन रहे ना, नहीं वो एंगल तेरे लिए बन रहा है, लेकिन वो जो नीचे बंदा खड़ा है ना उसके ट्रे संभालने के लिए एंगल नहीं करने का तुम्हारा। गाइस मैं खुद चांद ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मौलवियों पे इत्मीनान नहीं है, मैं खुद ढूंढने जाऊंगी क्योंकि मुझे मौलवियों पे इत्मीनान नहीं। अगर उन्होंने आज ईद ना की तो वो गए, कदर करूँ मैं उनका, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, आप मेरी हालत देख सकते हैं, काम करा रही है मामा, थक गई हूँ। ओके फाइन, मून अहमद के मुताबिक एक मिनट किस तरफ है, इसी तरफ है, लेट फाइन, मून बादल आ गए, ओ शिट, एक मिनट, इज दैट अ मून, नो इट्स नॉट अ मून, इट्स अ मून, नो इट्स नॉट अ मून, इट्स अ लाइट, ओह माय गॉड, मून आ गया, मून
मून। अच्छा गाइस हमें मिला है अभी अभी हमें पता चला है मून उस तरफ है। गाइस अभी हमें पता चला है मून उस तरफ है। मैं रोशनी डाल के मून को दिखाऊंगी। गाइस मून मून नजर आ गया। कल ईद का चांद है, ईद का चांद। कल ईद ईद। गाइस शर्बानो ने भी केक बना दिया है। चांद नजर आया है, आने वाला उम्मीद वह दुनिया कायम है। पानों का केक तैयार होगा। एक दफा हमने ईद पे सही तमाम किया, लास्ट टाइम नहीं किया था ना। सो गाइस अभी हम आ गए, अब टीवी के आ गए। हमें तो चांद दिखा नहीं गया, मैं इतनी बुरी लग रही हूँ हेयर बैंड में, वॉट एवर। हाँ तो अभी चांद नजर आया नहीं आया। हम इसके बीच में हैं। अली भाई सामान पैक कर रहे हैं, खोल रहे हैं। ये अली भाई बीच में खड़े हैं। केक खुले तो मैं निकलूं, मतलब चांद नजर आए तो मैं निकलूं, नहीं तो मैं फंसे हुए। क्या सामान हाँ पैक कर लिए, क्या क्या सामान पैक कर लिए अपना साउंड बॉक्स नहीं वो तो ऑन दिया थे तो बंद ही है और पर सुनने का टाइम नहीं हुआ। मुझ में हिम्मत तो मैं आपको साथ बाहर की सूरत हाल दिखाती हूँ। सोच रही हूँ मैंने लाइट ऑफ कर दी है। बाहर की सिचुएशन ये चल, यहाँ पे पानी तैयार हो रहा है, ठंडा ठंडा पानी लेकर जाएंगे। मामा पार्सल पैक कर रही हूँ चिकन वाला, तो मैं आपको उसको लगवा के खाऊंगी। सलाद और ये हलीम का सलाद, ये दोनों तैयार हैं। अब इन सब कुछ चीज़ों को गाड़ी में जाके रख रहा साथ में क्रीम है, ये चिकन के लिए ये सब काम करना। गाइस चांद रात मुबारक आप सब लोगों को, हमारे मेरी तरफ से और की तरफ से खानदान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। इस वक्त टाइम हो रहा है 5:30। मैं अभी भी उठी हूँ, बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आज हम जा रहे हैं हरिया जाना। वो लोग भी जाना है ईद की नमाज, तो उसके लिए तैयार प्यार रहूँगी आपको तैयार रखें। अली भाई 5 बजे खाना खा रहे हो, रोजा नहीं रखा? अली भाई खा रहे हैं, रोजा नहीं। हाँ मैं भी पानी पी के चेक करूंगी, मेरा रोजा नहीं है। के फर्स्ट डे बार बार हम लोग पानी पी के चेक करते हैं कि अच्छा जी हमारा रोजा नहीं है, कन्फर्म करते हैं कि रोजा नहीं है। सो गाइस ये पे पिज्जा रोल ये मैं ये मैं रख रही हूँ यहाँ पे सफ़र के लिए, और बाकी ये फ्रिज में जाएंगे क्योंकि अब ये ख़राब हो सकते हैं। मम्मा ने कहा है तो क्या है। तो अब हमने ये रख दी, अभी देश का मैं लेकर आती हूँ ऑटो खड़ो। सामान नीचे लेकर जा रहे नीचे, आपको शोर की आवाज़ें आई होंगी। शर्बानो और अली भाई लेकर जा रहे हैं। तो वो शख्स हैं जो रात को नहीं सोए। तो मैं क्यूट लग रहा हूँ? हाँ नींद भाई मेरी नींद कितनी होगी मेरी तो नहीं पूरी। तो गई यहाँ पे मैंने अपना सारा ईद का सारा सामान लगा दिया है। ये मेरे जूते हैं बिल्कुल मैचिंग, इनको भी यहाँ रखते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ड्रेस पहन लिया, ये दुपट्टा है मैच कर रहे हैं। नेल पॉलिश भी मैंने लगा ली थी, मामा ने कहा लगा लो। अभी लिपस्टिक वगैरह लगानी है, वो मैं रास्ते में लगा लूँगी, वो रास्ते में कब्रिस्तान से फारिग हो गया। तो अब आपको मिलते हैं रास्ते में, और अभी लेनी है ईदी ईदी। अभी तो रात के अभी पैसा आएगा, पैसा तो लगा चलो पैसे लेते हैं। तो गाइस वी आर रेडी टू गो, पिक्चर्स भी हो गई हैं। अब एक दफ़ा वहाँ जा कर घर में पिक्चर लेंगे। हाँ गाड़ी में है,
चलो मैंने तो कहा था, आपने कहा था कि बारिश हो जाएगी। हाँ मुझे याद आया कि आपने अभी तक ईद ही नहीं पकड़ाई है। भाई नमाज पढ़ के दिया आ गए हैं। सो हाय 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 इस दफा तो कार्ड चले मुझे करो कितनी कितनी मिली अहमद हर ईद पे अलॉट होते थे पैसे मिलते नहीं थे वो मिल गए हैं। अलॉट कमीनी कमीनी है वो कितने प्यारे फूल लगे। वहाँ मेरा फोन ईद को अब खर्च करेंगे। हाँ यहाँ पे अब खाने की तैयारी चल रही है। ओके दिस इज बिग खाना बना रहे हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने बाबा जान से मिलने। पहले कब्रिस्तान जाएंगे फिर वहाँ से फारिग होके दादा घर जाएंगे। यहाँ से ले रहे हैं फ्लावर्स कब्रिस्तान पे डालने के लिए फूल लेकर यहाँ इसे पारे होके जाएंगे क्योंकि फिर आगे से मिलना नामुमकिन ही है। शेरा तुम्हें हमने रानी ले दी है क्या कहते हो मजा आ रहा है? शेरा की फरमाइश पे हमने उसको रानी लेकर दी। अब वो रानी में बैठता है कैसा लग रहा है शेरा? बॉस मेरा बॉस सबसे ऊपर है। शेरा आज तो तुम बहुत खुश होगे ना शेरा? यस बॉस। चलो शेरा शेरा की अम्मा आप कैसी हैं? और आपने भी कहा शेरा देखो नए पुल पे आ गए हैं। शेरा देखो शेरा गोल्डा ऊपर ऊपर से निकल गया। शेरा शेरा आपको कैसा महसूस हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं शेरा ये शिवाज शरीफ ही होगा। शेरा पुल बनाई जाता है जेल में बड़ी जाता है। शेरा ये भी सही काम है। शेरा अभी दो तीन महीने पहले आप इधर ही रहते थे। मेरा और शर्बानो का ये दिल्ली का सफर था। आपको कैसा लग रहा है शेरा? शेरा कैसा महसूस कर रहे हो? शेरा बॉस बहुत बुरा। शेरा आपका भाई कैसा महसूस कर रहा है? बेहतरीन शेरा। बहन आप कैसा महसूस कर रही है? शेरा की बहन शेरा की वालदा आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका बेटा शेरा ही तो है कि नहीं है? बॉस सलमान खान से भी ऊपर है। शेरा हमारी अम्मा ने हमको ईदी भी दी है आज। क्या दी है? ईदी। आप सबको हम सबकी तरफ से ईद मुबारक। अब हम वहाँ जाके खाना भी खाएंगे। शेरा परफ्यूम लगा लूं? शेरा लगा लो बॉस हूँ मैं। नहीं देख अभी शेरा परफ्यूम लगा लूं? लगा ले बॉस। शेरा ये एवे कैमन का परफ्यूम नहीं है शेरा? वाह बॉस वाह मेरा बॉस सबसे आगे। खुशबू सूंघो। मेरा बॉस सबसे आगे। मेरे बॉस से कभी बदबू आती ही नहीं। शेरा खुशबू मेरे बॉस से कभी बदबू आती ही नहीं। बॉस आप जुम्मा जुम्मा जो नहाते हैं आज ईद के दिन ईद तो आज बुध को निकल आई तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं नहाकर? बॉस शेरा कारोबारी है दाना पड़ता है। ओए ओए शेरा देखो गाड़ी को खसरा हो गया था। शेरा वो देखो शेरा गाड़ी तेज कर लू। कर ले बॉस मेरा बॉस सबसे आगे। शेरा हवेलियां जाओगे?
जी बॉस जहाँ आप लेकर जाए शेरा लोगों को मिलेंगे। जी बॉस मिलेंगे, शेरा रोटी शोटी खाएंगे। नहीं चंगी पल्ली मैंने उनका शेरा बनाया था जब मैं शेरा निकल आई, मुझे पता ही नहीं चला। जी बॉस जिंदाबाद बॉस। कैरेक्टर से हट क्यों रहे हो शेरा? शेरा बॉस मैं अभी बॉस थी तो मुझे हो गया कि मैं क्या हुआ क्या हुआ। शेरा पेट्रोल डलवा ले। जी बॉस डलवा ले, मेरे बॉस के पास बड़ा माल है। शेरा कैश से डलवाए कार्ड से डलवाए? बॉस आप कार्ड से डलवाए, आपके पास कैश तो ढेर है लेकिन आप कार्ड से डलवाए। शेरा मामी ने ईदी शीदी दे दी। जी बॉस दे दी। शेरा और ईदी दूं? जी बॉस दे दे। शेरा ले लो, शेरा सब ही तुम्हारा है। वो जो आपको भी इनवेलप आपकी वालदा ने दिया वो ही दे दे बॉस, मेरा बॉस सबसे आगे। शेरा वो भी तुम्हारा होगा। दे दे बॉस दे दे, अभी अभी दे बॉस। गुम हो गए बॉस। अपनी कमेंट्री शुरू करना चाहेंगे। आज देखें आज सफाई का दिन है, वैसे भी आज कुछ आए नहीं कि मैं आपको बता सकूं। सब पठान बच्चे निकले थे। हवेलियां कहाँ से पठान आ गए? कहाँ नहीं है पठान। लेने जा रही लड़कियों, अंकल ने 10 रुपए ही पकड़ाने होंगे। अच्छा घूमे घूमते चक्कर लगा गए हो, लेकिन हमें तो कोई जानता भी नहीं है ना। लोग पहुंच आए हैं कब्रिस्तान। अल्लाह डैडी जी ये आपके पास भी आके यही काम करते हैं तो सोच रहे नॉर्मल रूटीन में क्या करते होंगे। तेरा इतना अच्छा स्टाइल था तूने क्यों चेंज किया? बाल इतनी खुशबू है क्या? फिर से हम गए थे और इतनी गर्मी है अल्लाह दी कसम पे झुलस गए हैं। ठंडा पानी थैंक गॉड वी कैरी दिस वरना नहीं रोकता ऊपर होता है। हमने शबानों को दूसरी कार में भेज दिया है। रुको मेरे कैमरा सेट करूं। हाँ तो हमने उसको दूसरे अली भाई लेने नहीं पटाखे अभी कपड़ों पे जा रहे हैं अल्लाह की बंदी अकल का उसके बाद लेंगे ना के बाद के बाद मामा लुकाठों का सीजन आया हुआ आओ तोड़े किसी के घर से। वो जो घर ये आखिरी बंगला है ना जे वाला जो पार्लर वाली होती थी हाँ ये खाली हो गया तो गाइस हम लोग पहुंच आए मामा मेरे दुपट्टा जरा ऊपर। गाइस हम लोग पहुंच आए हैं गली में। हाँ शुक्र है ठंडक फील है। पहुंच आए हैं घर पे देखिए जी ओल्ड टाइम थैंक यू ओल्ड होम इट्स अराउंड 50 इयर्स ओल्ड।
इससे बेहतर की तरफ कैमरा कर लेते हैं। अली भाई और अहमद लेकर आए हैं ताकि ताकि ले लेकर आए हैं भाई चलाए उठे कामों में हमारा ही हाथ होता है हमेशा ध्यान से आपका ही बेटा और करी फेंकता नीचे कुछ नहीं था आते तक 1 2 3 गोचा 1 देखना हाथ में ना फट्टे पे देखो ओ माय गॉड ये वाली सही साउंड है ये आखिरी लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लगा ये डायरेक्टिंग बता दी डायरेक्ट मत से देखना आते आते लाइव मूव है मूव रख के टाइम चाहिए नहीं नहीं ये जरा टाइम दे दो नंबर है सही से ना ना आदिल भाई वो गया तो नहीं चला मैंने कहा आदिल भाई जाओ चेक करके आओ सो गाइस हम लोग छत पे आए हुए हैं मेरी हालत अभी भी सही है मैं अभी भी अच्छी लग रही हूँ और बारिश का मौसम हो चुका है और अभी हम लोग बस खाएंगे फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे यस फ्रेंड्स ये हमारे पिंडी वाले कजन है बड़े टाइम के बाद आए हैं ये हमारे अब बाद में कजन रहते हैं अब वेब टू बाद पहले वधिया के साथ वेब टू बाद शुरू किया ना तब अब टू बाद वाले बस नहीं हाँ वधिया ही कहेंगे अच्छा वेलिया वाले का देना भाई ये दर्जी सी घर में रहते हैं कुछ गाइस आप लोग ये डिजाइन देख सकते हैं यहाँ पे ये 1969 में हवेलियां का ये सबसे पहला डिजाइन था जो यहाँ इस घर में बना था और हमारे दादा भू लेकर आए थे गाइस ये देख सकते हैं ये हवेलियां का सबसे पहला घर और सबसे पुराना घर अभी भी उसी हालत में मौजूद है ये कोई रहता अभी हाँ ये सबसे पुराना घर है यहाँ का हवेलियां का यहाँ से पहले व्यूज भी अच्छे आते थे लेकिन यहाँ पे बन गए हैं नहीं सारे अब यार घर कितने ऊपर ऊपर बिल्डिंग बना दी गई है जेन आज मैं आपको एक पुराना जमाने का स्विच दिखाती हूँ ये देखिए कितना पुराना है मौत का मंदिर बना हुआ है गाइस चल बंद कर दे अब तो गाइस हम रेत के मकाम पे पहुंच आए हैं अभी यहाँ पे चल रही है रेत पीछे हमारा चल रहा है 2-3 गाड़ियां हैं हमारा पूरा खंड गाड़ियां हमारे पूरे खानदान की और इस वक्त हमारी रेस चल रही है अभी हम सब ने ग्रुप फोटो ली हर जगह जगह पे अभी हम सारे खड़े हो गए चंगी भानी में हम सारे खड़े हो गए ग्रुप फोटो ले रहे थे अभी हमने ग्रुप फोटो ले ली है अब हम लोग जा रहे हैं उमर कब्रिस्तान पे जाएंगे फिर हम जाएंगे ये रहा हरिपुर का सरकारी बाग यहाँ पे गोरों का कब्रिस्तान भी है यार कभी आओ ना लोग दिखाएं हम लोग में वो गोरा कब्रिस्तान बोलते हैं ना गोरों का कब्रिस्तान आपको कभी हम दिखाएं अस्तबल वगैरह सब कुछ है ये कभी आए ना हम हरिपुर का एक डिटेल अगर हम हरिपुर का एक डिटेल टूर देना तो हरिपुर में भी अच्छी खासी चीजें हैं जो आपको दिखा सकते हैं लेकिन वो बात है ना अब दिखाते नहीं है तो गाइस मुझे ये ईदी मिली है मेरे नाम की फ्रॉम अंकल एंड चाची नहीं मेरी तो आनी है चाची में ये मेरी ईदी है क्या तेरा है ये वाला मेरा ये तेरा है ब्लैक वाला कहाँ है मुझे क्या पता लेकर आइए हम आगे अपने पुराने वाले आप ये घर देख सकते हैं इस घर में हमने 4 साल गुजारे हैं मेरी नानों का घर वो घर कब्रिस्तान में जाते हैं दुआ कर तो
घर में।